हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को सबसे पहले तो नववर्ष की शुभकामनाएं। और नववर्ष आपके लिए मंगलमय रहे और आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो इस साल के अंदर आपकी सारी पूरी होती हुई नजर आएं। इसी कामना के साथ आज की इस वीडियो की हम चर्चा करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मार्केट आउटलुक के बारे में। नेक्स्ट वीक में किस तरीके का मार्केट आउटलुक जो है हमें लगता है वो आपके साथ चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कुछ दो अहम खबरों के ऊपर। और वो अहम खबरें हैं जीएसटी के कलेक्शन से रिलेटेड। जीएसटी का जो कलेक्शन है, यानी कि जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, उसके अंदर जो कलेक्शन है वो 15% से बड़ा है पिछले साल के मुकाबले में। तो ये जो डेटा पॉइंट है ये काफ़ी बेहतरीन पॉइंट आपको जो है देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा 2.5% की तेजी दिसंबर के अंदर नवंबर के मुकाबले में हुई है। तो नवंबर 2022 के मुकाबले में अगर हम दिसंबर 2022 की बात करें तो 2.5% की जीएसटी के अंदर ग्रोथ देखने के लिए मिली है। तो जो 15% की जो जीएसटी की कलेक्शन का डेटा है ये सच में आपको सरप्राइज करेगा पॉजिटिवली साइड, लेकिन इसके कुछ पहलू आपको समझने पड़ेंगे। तो ये पहलू क्या है ये सब चर्चा जो है मैं आपके साथ जारी रखूंगा। तो देखिएगा, सबसे पहले जीएसटी की जो कलेक्शन है वो मीडिया के अंदर खबरें बड़े ही अच्छे से प्रकाशित की जा रही हैं, जिसमें जीएसटी की कलेक्शन 15% की बात कही गई है। और तकरीबन जो है ये जो उम्मीद थी, दो दिन पहले मिंट ने भी जो है ये पब्लिश किया था कि हम 15% की ग्रोथ एंटिसिपेट कर रहे हैं, तो उसी के हिसाब से जो है जीएसटी की ग्रोथ आई है। लेकिन जीएसटी की ग्रोथ के अंदर पॉजिटिव क्या है वो हमें जो है थोड़ा सा इवेल्यूएट करना पड़ेगा। देखिए, जीएसटी की जो पिछले साल की कलेक्शन थी उस समय पर और इस समय पर जो भी आइटम्स हैं गुड्स के अंदर, स्पेशली सर्विसेज में तो नहीं, लेकिन गुड्स के अंदर बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जिसमें जनरली जो स्टेपल फूड्स हैं, और अगर हम बात करें कि जो नॉर्थ इंडिया के अंदर स्पेशली जो गेहूं का आटा है उसके जो 10 किलो का पैक है या 5 किलो का पैक है उसके ऊपर जीएसटी लगा है। और बहुत सारी जो प्रोडक्ट्स हैं जिन पर जीएसटी नहीं लगता था, उन सब प्रोडक्ट्स पे जब जीएसटी लगा है तो वो एक कलेक्शन के अंदर सबसे खास जो है देखने के लिए मिला। और ये एक ऐसा कंजम्पशन आइटम है जिसकी मतलब हर घर में ज़रूरत होती है, तो वो एक बड़ा पॉजिटिव है। दूसरा जो है, पिछले 6-8 महीनों से, अब आप देखें कि कोविड के बाद से ही पिछले अगर हम एक साल की बात करें मोटा मोटी, तो जो जीएसटी की जो कलेक्शन है वो काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिल रही है और ग्रोथ अच्छी है। इसमें एक जो है श्रेय जाता है जो गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने जो सख्ती की है कलेक्शन के लिए, वो भी जो है बड़ी कारगर जो है साबित हुई है। और जिस तरीके से स्ट्रिक्ट एक्शन जो है जीएसटी कलेक्शन के लिए लिए गए वो भी एक मेजर रीज़न है। तो आईआईपी का जो अक्टूबर का 4% का डीग्रोथ का डाटा था, उसके बाद ये एक अच्छा डेटा जो है आप मान सकते हैं। उसके बाद दिसंबर 2022 की जो सेल है 1.49 ट्रिलियन, यानी कि 1,49,000 करोड़ जो है जो सेल्स है, काफ़ी अच्छी सेल्स मानी जाएगी। हालांकि पिछले महीने के मुकाबले में 2.5% की ग्रोथ ही जो है दर्ज की गई, लेकिन 2.5% भी अगर आप उसको एनालाइज करेंगे तो बहुत अच्छी ग्रोथ जो है ये भी मानी जाएगी। अब टाटा मोटर्स ने जो सेल है ईवी के अंदर भी, जो टाटा मोटर्स ने आज चौंका दिया सबको कि जो उनकी गाड़ियों की सेल है उसमें एक बहुत ही बढ़िया जो है बढ़ोतरी देखने के लिए मिली है। इसके अलावा रॉयल इनफील्ड की जो सेल है वो 7% डाउन हो गई है। तो रॉयल इनफील्ड की सेल 7% डाउन है, लेकिन टाटा मोटर्स के अंदर ईवी और जो टोटल सेल के अंदर जो फिगर्स हैं वो काफ़ी बढ़िया है। इसके अलावा जो टोयोटा किर्लोस्कर है उसने अपनी 10 साल की सबसे बढ़िया सेल दिसंबर 2022 में की है। लेकिन निराशा कहाँ से मिली है? निराशा मिली है मारुति से। और मारुति के अंदर जो सेल है वो जो है 9.9% डीग्रोथ की है इस क्वार्टर के अंदर, सॉरी इस मंथ के अंदर, यानी कि दिसंबर 2021 में जो इन्होंने गाड़ियां बेची थी 1,53,149 गाड़ियां थी, जो इस बार दिसंबर के अंदर 1,39,347 गाड़ियां जो है सेल की है। तो ये जो मारुति जैसे जो शेयर्स हैं जिनके रिजल्ट्स क्वार्टरली बहुत अच्छे आए थे, लेकिन उसके बाद भी वो शेयर्स ने परफॉर्म नहीं किया था, उसमें ये कहीं ना कहीं जो है बाजार डिस्काउंट किए हुए है। लेकिन शायद मारुति सुजुकी के लिए ये एक अच्छी खबर तो नहीं है ये जो सेल्स के डेटा। इसके अलावा जो डोमेस्टिक सेल है वो भी 10.2% जो है डीग्रो किया है। और इसमें जो मुख्य श्रेय जो जाता है वो ऐसी गाड़ियों के बारे में जाता है जो 5-7 लाख की कैटेगरी के अंदर आती है, 5 से 8 लाख कैटेगरी वाली जो गाड़ी है। इन सेल के फिगर्स को अगर हम देखें तो मारुति का मानना है कि भाई देखो सेमीकंडक्टर का इशू था या हम बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स थे उनकी शॉर्टेज थी,
लेकिन ये खाली आइटम्स के लिए नहीं थी, लेकिन जो 10 लाख या उससे ऊपर की गाड़ियां हैं या जो इको है वहां पर जो है इन्होंने काफी अच्छी जो है सेल दर्ज की है। अगर उस एंगल से अगर आप देखें तो आपको कुछ चीजें हम इवेल्यूट करते हुए नजर आएंगे, अभी मैं आपको उसकी चर्चा करूंगा। तो देखिएगा जो एल्टो एस्प्रेसो जो गाड़ियां हैं वो 16,320 से 9,765, ये भी हो सकता है कि कंपनी ने कहा चलो भाई चिप नहीं है तो इनको मत बनाओ, पहला रीजन ये भी हो सकता है। और दूसरा रीजन हमें जो लग रहा है वो एक और भी हो सकता है, वो ये है कि इकोनॉमी के अंदर जो मिडिल क्लास ग्रुप है, जो लोअर मिडिल क्लास आप बोल सकते हैं या मिडिल क्लास, जिस सेगमेंट के अंदर गाड़ियां खरीदता है वहां पर उसकी इनकम पे डेंट पड़ा है। अमीर और अमीर हो रहा है, या जो मतलब महीने में 2-3 लाख रुपए की जिनकी अर्निंग्स है, मतलब प्रॉफिट्स के बात करूं मैं, या जिनकी सैलरी 2-3 लाख रुपए है, या जो अपने धंधे से 2-3-4-5 लाख रुपए या उससे ज़्यादा पैसा कमाते हैं, उनके ऊपर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है। लेकिन जिन लोगों की कमाई 50,000, 60,000 लाख या 1.5 लाख रुपए है या उससे कम है, वो जो इनकम ग्रुप है वो हमें लग रहा है कि उसकी इनकम घटी है, जिसकी वजह से इस तरीके की जो गाड़ियां हैं उनकी सेल के ऊपर एक डेंट पड़ा है। और मारुति जो है इसके अंदर एक अग्रणी कंपनी है। अब दो रीजन हो सकते हैं, या तो भाई इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपको शॉर्टेज थी, आपने कहा यार सस्ती गाड़ियों में क्यों लगाने, बड़ी गाड़ियों में लगा देते हैं। दूसरी बात क्योंकि, या उन्होंने आपने कहा होगा कि भाई ऑर्डर जब मिला होगा इनको कि भाई हम आपको इतने पार्ट्स दे सकते हैं, तो मारुति ने अपने जो वेंडर्स उनको कहा होगा भाई आप हमारे को बड़ी गाड़ी वाले पार्ट्स दे दो, अगर आप बना ही सकते हो तो छोटी वाली गाड़ियों को भी हम नज़रअंदाज कर सकते हैं, एक ये रीज़न हो सकता है। दूसरा इकोनॉमी के अंदर जो प्रेशर पॉइंट है वो शायद मीडियम जो इनकम ग्रुप है उसके ऊपर ज़्यादा है, और मतलब जो हाई इनकम ग्रुप है या हाई नेटवर्थ जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी इनकम पे तो मुझे लगता नहीं है कि कोई ज़्यादा फर्क है, तो ये एक रीज़न हो सकता है। इसके अलावा जो कॉम्पैक्ट गाड़ियाँ हैं जिसमें बलेनो, सिलेरियो डिज़ायर, इग्निस स्विफ्ट और वैगन आर जैसी गाड़ियाँ, वहाँ पर भी इनकी सेल में काफ़ी अच्छी जो है कमी जो है देखने के लिए मिली है। लेकिन वहीं पर अगर आप बात करेंगे सियाज की, तो सियाज में भी थोड़ी सी कमी है, लेकिन अगर आप ब्रीज़ा, क्योंकि इनका जो ब्रीज़ा है उसका बड़ा बढ़िया मॉडल भी जो आया है और वो लोगों को पसंद भी है, टीका एस क्रॉस XL6, और XL6 का भी इन्होंने नया वेरिएंट जो है जारी किया है ग्रैंड विटारा, तो यहाँ पर इनको जो है तकरीबन तकरीबन जो ग्रोथ आप देखेंगे तो 20% से भी ज़्यादा ग्रोथ देखने के लिए मिली है। तो ये रीज़न हो सकते हैं जो मैंने आपको बताया दोनों में से एक। तो कुल मिलाकर जो नंबर्स हैं गाड़ियों के अंदर, तो मारुति के जो नंबर घटना खुद नेगेटिवली हो जाना, मतलब 1,53,149 से 1,39,000 सेल होना, और ये जो डेटा है ये वास्तव में डी ग्रोथ मंथ ऑन मंथ बेसिस भी है। अगर मंथ ऑन मंथ की बात भी करें कि भाई मंथ ऑन मंथ भी अगर ये डी ग्रो कर रहा है, डोमेस्टिक सेल्स भी घट रही है, तो जरूर से जरूर जो है सरप्राइज कर रहा है। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक की। निफ्टी बैंक की जो चार्ट आपके सामने है ये 15 मिनट की चार्ट है, ये 15 मिनट्स की जो चार्ट है ये बता रही है कि जब फ्राइडे को बाजार चले तो बाजार ने ओपनिंग तो अच्छी दी थी, और हम थर्सडे की जो एक्सपायरी में जो शॉर्ट कवरिंग थी उसके बाद बाजार हमारे खुले और शुरू में पहली दूसरी तीसरी कैंडल जो है रेड बनी, चौथी कैंडल हालांकि हमारी ग्रीन बनी, और उसके बाद बाजार दिन भर नीचे आते हुए रहने नजर आए, और जो कैंडल 3 बजे से 3:15 बजे के बीच में बनती है वो कैंडल एक एग्रेसिवली रेड कैंडल थी, और उसने एक नीचे का जो लो था वो भी इसी कैंडल ने दिया, उसके बाद जो है 15 मिनट की शॉर्ट कवरिंग जो इंट्राडे बेसिस पे होती है, तो बाजार ने एक क्लोजिंग जो है एक कमजोर दी थी। उसके बाद इंटरनेशनली बात करें तो जो डाउ जोन्स जैसे जो बाजार हैं वो भी क्लोजिंग जो है नेगेटिव देते हुए नजर आए, तो एक प्रेशर पॉइंट जो है आपको इंटरनेशनल मार्केट से मिल रहा है, इस तरीके का जो चार्ट पैटर्न है वो भी ये बता रहा है। और अगर हम इस चार्ट को थोड़ा सा वीकली बेसिस पे देखें तो ये जो वीकली बेसिस पे भी जो दो रेड कैंडल बनी और इस वीक में हमने ग्रीन क्लोज दिया है, लेकिन इस ग्रीन क्लोज ने भी आप देखें तो जो इससे पिछले हफ्ते की रेड कैंडल थी ना तो उसके टॉप को जो है टच किया, और दूसरी बात एक और भी थी कि जो इस हफ्ते के अंदर लो लगे वो भी पिछले हफ्ते से नीचे के लो लगे, ये चाहे वो सोमवार को लगे हालांकि बाद में रिकवरी आ गई थी। तो कुल मिलाकर अभी भी बाजार एक रेंज बाउंड और विद नेगेटिव बायस जो है हमें लगता है, और हमें लग रहा है कि 42,000 के आसपास बाजार इस बार फिर इस हफ्ते 42,000 के आसपास फिर आने की संभावना है। तो ऊपरी लेवल पे देखें तो जो इस हफ्ते के हाई थे और उन हाईज के बीच में अगर हम देखें तो जो 43,500-600 के बीच की जो रेंज है वो एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, और 42,000 के आसपास पहली जो सपोर्ट है वो 42,200 है, और उसके नीचे थोड़ा सा आएंगे तो वो आएगी आपको जो इससे पहले
कि जो लो है यानी कि 41,800-41,700 वहां तक हमें एक रेंज लगती है, और एक अच्छी अब इस हफ्ते वोलेटिलिटी वाली रेंज की हमें उम्मीद है। तो निफ्टी बैंक के अंदर हमें लग रहा है कि ऊपरी लेवल पर एक सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिलेगा, निचले लेवल पर थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग भी आपको आती हुई नजर आएगी। लेकिन कुल मिलाकर जो डेटा पॉइंट्स हैं निफ्टी बैंक में जिस तरीके की रैली हुई है, तो बहुत सारे जो रिटेलर्स हैं उनको भी मुझे लग रहा है ऊपरी लेवल पे माल थमा दिया गया है, और कुछ चैलेंजेस रहेंगे। और बैंक निफ्टी देखिएगा एक जिस तरीके की वीकली बेसिस पर तेजी करके आया है, तो प्रॉफिट बुकिंग का शिकार भी हो सकता है, इस बात की भी एक अच्छी संभावना हमें नजर आती है। तो जिसकी वजह से हमें लगता है कि निचले लेवल पे 41,800-41,700 के आसपास जो है एक्सपोर्ट मिलनी चाहिए, और वहीं पर 43,500 के आसपास एक रेजिस्टेंस मिलना चाहिए। तो एक रेंज बाउंड ट्रेड ही हम एंटिसिपेट कर रहे हैं, विद ये मान के चले कि भाई प्रॉफिट बुकिंग का सेशन आ सकता है, तो विद सम नेगेटिव बायस। और निफ्टी 50 की कैंडल देखिएगा, आपको बता रही है कि ना केवल बैंकिंग स्टॉक्स में जो है 15 मिनट के चार्ट पे आप देखेंगे कि 3 बजे से लेकर 3 बजे के 15 मिनट पर एक बड़ी जबरदस्त रेड कैंडल आपको पूरे दिन भर के दौरान बनती हुई नजर आई, उसके बाद उसकी शॉर्ट कवरिंग ग्रीन कैंडल। लेकिन ये जो कमजोरी है निफ्टी 50 के अंदर भी, ये भी एक कमजोर क्लोजिंग ही देखने के लिए मिली। लेकिन अभी भी देखिएगा अपनी जो स्पोर्ट है उसके आसपास जो है बाजार जाता है तो अपने आप को जो है संभालने की कोशिश करता है, जो 18,030 के आसपास है, 18,030-40। उसके बाद अगर आप नीचे भी जाएं तो 17,920-930 पे बाजार रुकता है। हालांकि उससे पिछले हफ्ते में आपने देखा था कि 17,800 को भी बाजार ने तोड़ दिया था, तो हो सकता है कि बाजार उस दायरे में जाने की कोशिश करे। तो इस हफ्ते निफ्टी के अंदर भी हमें 18,500 से लेके 17,800 और इवन 17,800 टूटता है तो 17,600 के दायरे भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, वो आपको वीकली चार्ट पे थोड़ी सी ज़्यादा क्लियर होगी। तो वीकली चार्ट को अगर हम देखें तो हमें लगता है कि ये जो दायरा है इस दायरे के अंदर बाजार रहने की कोशिश करेगा। तो ऊपरी लेवल पर ये 18,500-550 का दायरा आता है, नीचे 17,600 तक के भी दायरे खुलते हैं। और जिस तरीके से लास्ट में सेलिंग हुई और पिछले 3 हफ्तों के बाद रेड कैंडल के बाद ये इस हफ्ते में ग्रीन कैंडल देखने के लिए मिली, तो उन सब के बीच में हमें लगता है कि निफ्टी अभी वन वे ऊपर जाने की तैयारी में नहीं है, या तो रेंज बाउंड रहेगा और रिजल्ट का इंतजार जो है करते हुए बाजार नजर आएगा। मेरा जो व्यू है सेक्टर वाइज अगर आप बात करें तो बैंकिंग और फाइनेंशियल से मुझे प्रॉफिट बुकिंग नजर आती है। टेक्नोलॉजी में मुझे लगता है कि लोअर लेवल के ऊपर एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग या बाइंग देखने के लिए मिल सकती है। फार्मा पे मेरा न्यूट्रल व्यू है और मुझे लगता है कि फार्मा अच्छा करता हुआ नजर आएगा आपको इस साल के अंदर भी। इसके अलावा जो ऐसे शेयर्स हैं जो कि ऑयल से रिलेटेड हैं या ऑयल मार्केटिंग कंपनी है जो गैसेस हैं, ये शायद इस हफ्ते के दौरान जो है सीमित दायरे के अंदर काम करेंगी। सीमेंट में एक अच्छा बेस आपको नीचे के लेवल पे बनता हुआ नजर आना चाहिए, तो सीमेंट के अंदर भी मेरा पॉजिटिव है। एफएमसीजी जो है हमें लगता है कि एक साइडवेज रहेगा, लेकिन अगर बाजार गिरते हुए आपको नजर आएंगे तो एफएमसीजी और फार्मा जो है बाजार को नीचे की तरफ प्रोटेक्ट करते हुए नजर आएंगे। और इसके अलावा जो ऑटो है उसको आप नहीं भूल सकते, तो मारुति के नंबर ने और बाकी जो ऑटोमोबाइल्स के जो नंबर्स हैं अगर उनको देखें तो जो बाकी नंबर्स हैं वो कल आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें हीरो मोटोकॉर्प है, महिंद्रा एंड महिंद्रा, दो ऐसी कंपनियां जो काफ़ी प्रमुख है। इसके अलावा बजाज के नंबर्स भी हैं, तो वो जो नंबर आज पेश नहीं किए गए हैं तो वो कल तक नंबर आ जाएंगे, क्योंकि आज न्यू ईयर की भी छुट्टी थी और संडे की भी छुट्टी थी, तो बहुत सारी कंपनीज के जो डेटा है वो उपलब्ध नहीं हो पाए, तो उनके ऊपर भी रिएक्ट करेगा। बट ऑटो के जो नंबर्स हैं वो मुझे लग रहा है कि एक नेगेटिवली है, और अगर ऑटो के नंबर खराब आते हैं तो बैंकिंग और फाइनेंशियल्स में भी थोड़ी सी वीकनेस देखने के लिए मिल सकती है। और रीज़न बड़ा सिंपल है, क्योंकि जो ऑटो की जो फाइनेंसिंग है वो भी एक रीज़न हो सकता है कि ऑटो के जो नंबर्स हैं वो मीडियम इनकम ग्रुप वाले जो नंबर्स हैं उसमें इम्पैक्ट डाल रहे हैं। तो जैसे मारुति की 5-7 लाख वाली जो गाड़ी हैं उसकी अगर सेल कम हुई है तो मुझे लग रहा है कि जो 3 व्हीलर्स है या 4 व्हीलर्स के अंदर जो इस सेगमेंट में कमी आ रही है, तो वो हो सकता है कि 2 व्हीलर्स की सेल के ऊपर भी इम्पैक्ट करे। तो अगर वहाँ पे फाइनेंसिंग की एक्टिविटीज़ भी फिर घटती नजर आती हैं तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स के ऊपर भी एक फंडामेंटल कॉल जो है वहाँ पर बनेगी। और इसके अलावा बैंकों के अंदर लोन ग्रोथ के और डिपॉजिट ग्रोथ के जो डेटा हैं वो सबसे ज़्यादा अपने फोकस में रखने हैं, उनके नंबर्स के हिसाब से जो बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर रिएक्ट करेंगे। बट क्योंकि बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में एक अच्छा उन सब चीज़ों का पॉजिटिव इम्पैक्ट बाजार ले चुका है,
तो अगर वो न्यूट्रल होते हैं या नेगेटिव होते हैं तो फिर बाजार उस पर नेगेटिवली रिएक्ट करेगा। अगर कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी पॉजिटिव आते हैं तो हमें लगता है कि बैंक निफ्टी अच्छा कर सकता है। अदरवाइज बैंक निफ्टी के अंदर इस हफ्ते प्रॉफिट बुकिंग का दौर जो है जारी रहेगा। और सेक्टर वाइज मुझे देखिएगा आईटी में, हालांकि देखिएगा सब लोग बोल रहे हैं कि आईटी में वीकनेस वीकनेस, बट मुझे लगता है आईटी इतनी इंडिया की करेक्ट हो चुकी है कि थोड़ी सी और करेक्शन अगर आती है तो वहां पर एक बॉटम फिशिंग आपको देखने के लिए मिलेगी। और सिमिलरली जो है फार्मा जो है वो फ्लेवर में नहीं रहा है पिछले कुछ समय से, बट मुझे लग रहा है कि ये जो साल 2023 आ रहा है ये फार्मा जो है एक बहुत बड़ा जो है आपके लिए जो है आउट परफॉर्मर जो है निकल कर आएगा, ऐसी जो है मुझे काफ़ी उम्मीद है। और मुझे लगता है कि जो लेटर पार्ट ऑफ द ईयर है उसमें आईटी भी बहुत अच्छा करता हुआ शायद नज़र आया आपको। और आईटी में फंडामेंटल्स में कोई ज़्यादा कमजोरी हमें नहीं लग रही है। ये थोड़ा सा जो यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं या यूएस वाली जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर हो सकता है कि भाई रिसेशन की खबरें हैं तो उसकी वजह से 5-6 महीने शायद आईटी में थोड़े से अच्छे ना हो, लेकिन आईटी जो है बॉटम फिशिंग का जो है मुझे लगता है सबसे बेस्ट कैंडिडेट जो है इस साल के लिए रहेगा। और जब हम क्लोज में जाएंगे तो आईटी शायद एक अच्छी परफॉर्मेंस जो है देता हुआ नजर आए। तो इस साल के लिए मुझे तीनों जो सेक्टर्स हैं जिसमें एफएमसीजी है ऑटो सॉरी एफएमसीजी है या फार्मा है और आईटी, ये तीनों स्पेस जो है मुझे लगता है कि आउट परफॉर्म करेंगे इस साल के लिए। और जो बाकी जो ग्रोथ है या इंडस्ट्री जैसे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कर होने का जो इम्पैक्ट है वो आपको बाकी इंडस्ट्री के अंदर देखने के लिए मिलेगा। और स्पेशलिटी केमिकल देखिएगा इस पूरे साल के अंदर खराब करता हुआ नजर आया है, मुझे लग रहा है स्पेशलिटी केमिकल इस साल में रीबाउंड करेगा, लेकिन हो सकता है शेयर प्राइस ना करे, कंपनी अच्छा करें बट शेयर प्राइस ना करे। रीजन ये है क्योंकि शेयर प्राइस जो है पहले ही बहुत अच्छा रन अप कर चुके हैं, तो जो 2021 के अंदर जो या 2020 के लेटर पार्ट में जो स्पेशलिटी केमिकल या केमिकल कंपनीज में रन अप हो चुका था तो उसकी वजह से हो सकता है कि शेयर प्राइस में इम्पैक्ट ना मिले बट कंपनी अच्छा करती हुई नजर आनी चाहिए। इसके अलावा जो बेसिक केमिकल कंपनीज है वो लो वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है, तो वहां पर भी मुझे लगता है कि साल खत्म होते होते हैं वहां पर भी आपको एक जो बेसिक केमिकल कंपनीज है वहां पर अच्छी परफॉर्मेंस आपको कंपनी वाइज भी और शेयर प्राइस वाइज भी दोनों जगह देखने के लिए मिलनी चाहिए। तो ये आउटलुक जो है मेरा इस हफ्ते के साथ साथ जो है पूरा साल भर का आउटलुक देने की मैंने कोशिश की है, लेकिन फिर भी आपके जो विचार हैं वो आप जरूर से जरूर हमारे साथ साझा करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, वीडियो कैसी लगी ये भी जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।